हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल दिल्ली वाले इन दुबई। सो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वार्डरोब ऑर्गेनाइजेशन की कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स एंड कुछ हैक्स। तो क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि आपने सपोज आज अपनी वार्डरोब सेट करी है और वो दो तीन मैक्सिमम से मैक्सिमम एक हफ्ते बाद वो वार्डरोब फिर से सारी मेस्ड अप हो जाती है, सारी तहस नहस हो जाती है, इधर के कपड़े उधर, उधर के कपड़े इधर, एंड अगेन बाय द एंड ऑफ वीकेंड और नेक्स्ट वीक तक हमें अपने कपड़े फिर कोई कपड़ा कहीं नहीं मिलता और फिर हमें लगता है कि यार ये वार्डरोब हमने लास्ट वीक सेट करी थी बट ये अगेन फैल चुकी है। तो मैं उसके लिए लेकर आई हूँ आपके लिए कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स एंड कुछ हैक्स, बिकॉज मैं तो जब तक मैंने ये ट्रिक्स फॉलो नहीं करी थी ना तो मेरी कबर्ड भी ऐसी ही होती थी। मैं आज कबर्ड सेट करती थी और विद इन 3 to 4 days सारे कपड़े इधर से उधर सब मिक्स हो जाते थे एंड कोई अपनी जगह पर सेटिंग नहीं रहती थी। तो मैं आपको आज बताऊंगी बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड बहुत ही यूज़फुल टिप्स एंड ट्रिक्स फॉर वार्डरोब ऑर्गेनाइजेशन। तो ये है मेरी बिफोर की वार्डरोब की फ़ोटोज़ जो आप देख रहे हो इस टाइम स्क्रीन पे। ये जब हमने अपना घर शिफ्ट करा तो मैंने ये सारा जो हमारा मेरी पुरानी वार्डरोब का सामान था मैं सब इधर ले आई थी एंड मैंने उस टाइम पे ये क्लिप शूट करी थी जिसमें सारा का सारा वार्डरोब फैला पड़ा है, आप देख सकते हो और कितना सारा सामान है इस टाइम। और ऐसा नहीं है कि मतलब हम में से मोस्ट ऑफ द गर्ल्स एंड मोस्ट ऑफ द इनफैक्ट बॉयज़ ऑल्सो, अब तो हम लोगों में इतने कपड़े होते हैं, इतना सामान होता है, हर कलर का कुछ ना कुछ हमारे पास होता है, बट जब हमें चाहिए होता है तो हमें कुछ भी नहीं मिलता है। मतलब उस टाइम पे हमें लगता है कि लिटरली हमारे पास कुछ पहनने को नहीं है और जो ये इतना पाइल्ड अप है ना कपड़ों का, इसका करना क्या है, इसको एज इट इज़ उठा के डंप कर दो या इसको ब्यूटीफुली ऑर्गेनाइज कर दो। तो मैं आपको दिखाती हूँ कैसे आप ऑर्गेनाइज कर सकते हो अपने पाइल ऑफ क्लोथ्स को और उनको ढंग से यूज़ कर सकते हो, एज इन कि वो सारे जो आपके पुराने कपड़े भी हैं और या फिर जो आपने कपड़े आज तक पहने ही नहीं हैं, या कभी कभार होता है कि वो कपड़े इवन टैग लगे हुए होते हैं और वो हमें हमारे उस पाइल ऑफ क्लोथ्स में आज तक हमारे सामने आए ही नहीं हैं, जब से हम उसको शॉपिंग करके घर लाए हैं शॉपिंग बैग के बाद तो वो कभी दिखाई नहीं है। मेरे साथ तो ऐसा बहुत बार होता है, लाइक लिटरली बहुत बार होता है। तो मैं आपको अब बिना देर करें हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली मैंने टेमू से काफ़ी सारे ऑर्गेनाइजेशन के वार्डरोब ऑर्गेनाइजेशन का प्रोडक्ट्स मंगाए थे, डिफरेंट। आप वो सब प्रोडक्ट्स अमेज़ॉन पे भी आप सर्च करोगे तो आपको एग्जैक्ट सेम मिल जाएंगे, अदरवाइज मुझे अगर अमेज़ॉन पे डिटो सेम उसके जो लिंक्स मिलेंगे वो लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ऑर्डर करके भी मंगा सकते हो। अदरवाइज इंडिया में भी टेमू चलता है तो आप इंडिया में टेमू से ऑर्डर कर सकते हो। टेमू के प्राइजेज आर डैम चीप, मतलब इतना चीप है जैसे हमारा पहले शीन होता था इंडिया में, एग्जैक्ट सेम टेमू है एंड इनफैक्ट उससे लेसर प्राइस पर ही है। प्लस टेमू का जो आप मैं ये फर्स्ट ऑफ ऑल ये टेमू की कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, ना ही मैं टेमू को कोई प्रमोट कर रही हूँ, मैं अपना बता रही हूँ। मैंने टेमू से काफ़ी प्रोडक्ट्स मंगाए हैं एंड मुझे वो प्रोडक्ट्स बहुत ही अच्छे लगे हैं, उनकी क्वालिटी हो, उनका प्राइस हो या उनकी यूज़ेबिलिटी हो, तो मुझे वो सब प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे लगे हैं, इसलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। लेकिन अगर टेमू वाले ये वीडियो देख रहे हैं तो आप लोग मुझे नेक्स्ट वीडियो के लिए स्पॉन्सर कर सकते हो। एनी विच वेज वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, सो पहले आप ऑल एंड ऑल इसका पूरा लुक देखो। ये है मेरे वार्डरोब की सेटिंग। अब अगर आपको इसमें दिख रहा होगा तो मैंने इसको सबको कलर कोऑर्डिनेशन के हिसाब से, जितना मुझसे हो सकता था कलर कोऑर्डिनेशन के हिसाब से सेट किया हुआ है। अब आप लोग वीडियो में देख के ये मत कहना कि ये पिंक है और ये भी पिंक है तो ये दोनों अलग हैं तो ये कोऑर्डिनेटेड नहीं है। नो, अभी मैं आपको बताऊंगी कि मैंने वो पिंक वहाँ पर क्यों हैंग करा है। सो ये है मेरे सारी जो मेरी ड्रेसेज हैं या जो मेरे कपड़े जो मेन जैसे कॉर्ड सेट्स हैं या शर्ट्स हैं या ड्रेसेज हैं वो सब ऊपर है एंड नीचे इसमें है मेरी सारी लॉन्ग ड्रेसेस एंड इसमें है सारे टॉप्स जो हमारे टॉप होते हैं जो हम एज इनर भी पहनते हैं या फिर हम नॉर्मल टॉप्स पहनते हैं। और इन ड्रॉअर्स में मैंने कैसे अरेंजमेंट किया है मैं वो सबसे ब्यूटीफुल चीज़ है। सबसे एंड वाली ड्रॉअर इज़ द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस वार्डरोब ऑर्गेनाइजेशन, वो आप ज़रूर देखना। सबसे पहले ये मैंने ऑर्गेनाइज़र आपने देखा होगा मेरे जो टेमू का जो मैंने हॉल वीडियो डाला था अपने चैनल पर, उसमें मैंने ऐसे ऑर्गेनाइजर्स मंगाए थे
जो स्पेशली नेट के हैं, तो आपको एक एक चीज़ दिख जाती है कि आपने आपके पास कौन से कलर का क्या है। एक ये ऑर्गेनाइज़र मंगाया था जो उस टाइम देखने में मुझे काफ़ी ज़्यादा फिल्दी सा लग रहा था, लेकिन इट्स वेरी नाइस। इसके अंदर मैंने अपनी सारी जो मेरी लॉन्ग ड्रेसेज हैं मैंने उनको ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है प्रॉपर फोल्ड करके, और हर ड्रेस में आपको दिख रहा होगा वो पार्टीशंस के साथ हैं, तो मुझे एक एक ड्रेस अपनी इजीली दिख रही है कि मेरे पास कौन कौन सी लॉन्ग ड्रेसेस हैं एंड कौन कौन से कलर्स में हैं। प्लस इसके अंदर मैंने यहाँ पर अपना जो ये ड्रॉर ये वाला पॉकेट रह गया था इसमें रखी है मैंने अपनी जो मेरे एक्टिव वेयर जिम के जो लेगिंग्स एंड जो लोअर्स हैं वो मैंने इसमें फ़ोल्ड करके रखे हैं। प्लस आप देख सकते हो जो मैंने फ़ोल्ड करती हूँ वो मैं ऐसे रोल फोल्ड करती हूँ। मैं अपने लगेज की जो पैकिंग करती हूँ वो भी इसी फोल्डिंग के मेथड से करती हूँ, तो ये जगह बहुत कम लेता है। और आप इजीली, आपने देखा मैंने कितना इजीली एक हाथ से निकाल लिया और राउंड एंड राउंड रोटेट करके मैंने इसको इजीली फिक्स भी कर दिया है, तो आपको ऐसा नहीं है कि आप जहाँ से निकाल रहे हो साथ वाले उसके अंदर गिरेंगे नहीं। सो ये इस तरीके से मैंने इसमें अरेंज करा है। अब ये लॉन्ग ड्रेसेस हैं तो आपको इसमें से जो भी पहनना है आपको बहुत इजीली दिख रहा है कि आपकी लॉन्ग ड्रेसेस कैसी हैं, तो आप और आप ऐसे पुल आउट करके भी इसको देख सकते हो, सो इट्स वेरी ब्यूटीफुल। सेकंड जो है मैंने इसके अंदर सारे टॉप्स रखे हैं, मैं आपको बाहर निकाल के दिखाती हूँ। ओके, इसमें आप देख सकते हो ये सारा, ये भी ट्रांसपेरेंट पॉकेट था, आप जैसे देख सकते हो ये देखो सब कुछ इसमें ट्रांसपेरेंट पॉकेट है, तो आपको इजीली ए टू जेड कॉर्नर से अपने कपड़े सब दिख रहे हैं कि आपके पास कौन कौन से कपड़े हैं एंड कौन कौन सा टॉप है बेसिकली, और आप इजीली उनको वेयर कर सकते हो। इसके अंदर वर्टिकल लाइंस थी आप जैसे देख सकते हो, तो अगर आप भी ऑनलाइन वर्टिकल वाला ये मंगाते हो और आपको समझ नहीं आ रहा उस वर्टिकल में क्या रख सकते हो, इस तरीके से अपने जो आपके डेली वेयर के टॉप्स होते हैं जो आपको डेली में पहनने होते हैं वेयर करने होते हैं आप उनको इस तरीके से फोल्ड करके रख सकते हो। प्लस ये जो फोल्डिंग है मैं आपको दिखाती हूँ, सपोज़ मैंने ये टॉप निकाला, आप इसको देख सकते हो मैंने इसको प्रॉपर वही रोल एंड फोल्ड की टेक्निक से जो हम नॉर्मल फोल्ड करते हैं अपने कपड़ों को मैंने उसी तरीके से इसको फोल्ड किया है, बस मैंने उसको रोल करके, और इसमें देखो इसकी जो जगह है यहाँ पे खाली है, कोई और इसके अंदर गिर नहीं रहा, मिक्स नहीं हो रहा, ना ही कुछ मैसी हो रहा है, तो आपने जहाँ से निकाला इसको आप वॉश करके एंड जब आपको वापस रखना होगा तो आप इसको वापस एज इट इज़ रख सकते हो। ये देखो ना आपके कपड़ों पे कोई क्रीज पड़ती है, ना ही आपके कपड़े आपस में मिक्स होते हैं, बहुत ही प्यारा लगता है। और ये भी जो है ये एक सिंगल सिंगल पॉकेट्स का ऑर्गेनाइज़र था जो बेसिकली ब्लेजर्स के नीचे या शर्ट्स के नीचे जो हम इनर्स पहनते हैं जो या जो टॉप पहनते हैं ये उस टाइप का टॉप होते हैं, तो ये वो टॉप्स हैं जिसको मैंने अगेन फोल्ड करके रखा है। तो आपको क्या करना है, आपको ऐसे हाफ में फोल्ड करना है अपने टॉप्स को, जो आपके टॉप्स की एक्स्ट्रा, एक सेकेंड, जो आपके टॉप्स, क्योंकि मैंने एक हाथ से कैमरा होल्ड किया हुआ है, एक जो आपके टॉप की ये स्ट्रिप्स हैं इनको आप ऐसे अंदर स्मार्टली इसके ऊपर रखो एंड देन स्टार्ट रोलिंग इट लाइक दिस एंड विद द वेरी लाइट हैंड आपका ये रोल रेडी हो गया है, और आप इसको अपने जहाँ से आपने लिया था रोल में बहुत लाइट हैंड के साथ आपने वापस रख दिया। सो इट्स वेरी ईजी टू टेक आउट एनी क्लॉथ एनी टॉप एंड उसको वापस रखना भी बहुत ईजी हो जाता है। पर मैंने अपना इस वाली जो ये शेल्फ थी, एक्चुअली हमारे इस कबर्ड में आप देख सकते हो सिर्फ एक सिंगल रॉड है, बाकी ये यहाँ से लेके यहाँ तक की जो इसकी लेंथ है ना ये बिल्कुल खाली है। तो पहले मैंने सोचा था कि मैं यहाँ पर एक शेल्फ बनवाऊँ, लेकिन फिर मैंने सोचा शेल्फ छोड़ देती हूँ बिकॉज़ जो ये वाले हैंग होते हुए हमारे कपड़े होंगे ना वो शेल्फ पे अटकेंगे तो वो बहुत ज़्यादा मैसी लगेगी, प्लस शेल्फ का कुछ भी सामान दिखेगा ही नहीं ड्यू टू दीज क्लोथ्स। तो इसीलिए मैंने इसी शेल्फ को यूज़ करा है और इसके ऊपर ऑर्गेनाइजर्स लगाए हैं। जो ये वाला पोर्शन है इस पे सारा मेरा एक्स्ट्रा सामान, जैसे मेरा एक न्यू कॉर्ड सेट पड़ा है वो मैंने अभी ऊपर हैंग नहीं किया था तो मैंने वो जस्ट आके यहाँ रख दिया, क्योंकि ये जगह हमें बहुत ज़रूरी चाहिए होती है अपनी कबर्ड्स में। कुछ ऐसा हमारा सामान होता है, मतलब मेरे साथ तो ऐसा बहुत होता है, मतलब मेरे पास ऐसा काफ़ी सामान ऐसा होता है जो मुझे समझ नहीं आता कि मैं उसको एकदम से ला के कहाँ रखूँ,
ऑब्वियसली उस टाइम पर उसकी सेटिंग की जगह नहीं मिल रही होती, लेकिन हम उसको ला के रख देते हैं और फिर वो ही सबसे ज़्यादा ऐसी लुक देता है जब हम रख देते हैं। तो मैंने अपना इसलिए ये कॉर्नर जो है, इस कॉर्नर को मैंने खाली रखा है ताकि मुझे कुछ अगर रैंडम आके रखना हो तो मैं न्यू चीज़ या कुछ भी, सपोज शॉपिंग बैग्स हैं आपका या कुछ भी है आपका सामान, वो आप इस कॉर्नर पर रख सकते हो और आप जब भी कबर्ड खोलोगे आपको दिखेगा कि मुझे इस सामान को सेट करना है अभी, तो इट्स ईजी टू गेट देम सेट। अच्छा, अब इसमें यहीं पर ही मैंने अपना कैमरा रखा हुआ है, अपना बैग रखा हुआ है एंड एवरीथिंग, जो भी मेरा क्लच वगैरह है वो सब मैंने यहाँ रखा हुआ है। अब आती है बात इस ड्रॉअर की। सो इस ड्रॉअर को आप ओपन करोगे तो इसमें है सारे मेरे अंडरगारमेंट्स वगैरह एंड ऑल जो भी हैं, वो सब भी मैंने इसी ऑर्गेनाइजर्स में ऑर्गेनाइज करे हुए हैं। सो यस, इसको करते हैं क्लोज। इस वाली ड्रॉअर को खोलते हैं। ओके, सो इस ड्रॉअर में है सारा मेरा एक्सेसरीज का सामान है, बेसिकली कलर, इसी में ही मेरी स्ट्रेटनिंग आयरन है, इसमें मेरी कलर रॉड है और ये है मेरा ब्लो ड्रायर, प्लस ये है मेरा हेयर एक्सटेंशंस एंड एवरीथिंग जो भी सामान है सारा, कैप्स वगैरह भी मैंने इसी में रखी हैं। तो यस, ये बात इस नीचे वाली ड्रॉअर की। अब मैं आपको ये खोल के दिखाती हूँ। टैंग टैंग, ये देखो आप, ये है सारा बॉटम वेयर, जीन्स, केपरीज, शॉर्ट्स, स्कर्ट्स, लोअर्स, पजामाज, जो भी आपका हो, प्लाजोज, लेगिंग्स, एवरीथिंग, सब कुछ मैंने इसी में ही ऑर्गेनाइज किया हुआ है। ड्रॉअर आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड है, बहुत ब्रॉड थी एंड काफ़ी डीप ड्रॉअर थी, तो अगर मैं इसमें कुछ और सामान रखती तो वो सब आपस में मिल जाता, गिर जाता एक दूसरे के अंदर एंड वो सब कुछ ख़राब हो जाता। तो ये ड्रॉअर मैंने सिर्फ और सिर्फ बॉटम वेयर्स, डेनिम्स, इन सब के लिए यूज़ करी है। ओके, यस, सो अब स्टार्ट करते हैं बॉटम वेयर्स को। सो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पे सारी मेरी जो पैंट्स हैं, ट्राउज़र्स हैं या जो मेरे बेल बॉटम्स हैं, सारी डेनिम्स, इन सब को मैंने ऑर्गेनाइज करे हैं। ये हो गए मेरे चीनोज़, ये हो गए मेरी वाइट पैंट, ये हो गए मेरे प्लाजोज़ एंड देन यहाँ पर हैं सारी मेरी स्कर्ट्स और स्कर्ट्स के बीच में है ये पार्टीशन, ये आप देख सकते हो, इसको मैंने इसी में रखा हुआ है बिकॉज ये वो नेट है जो कैनकेन की हम स्कर्ट के नीचे नेट पहनते हैं ना, उसको वो बाबी डॉल लुक देने के लिए। सो अगर मैंने इसको ओपन कर दी तो ये पूरा इतना बड़ा खोल के पूरा यू नो तंबू बन जाएगा, तो इसीलिए मैंने इसको इसी में ही रखा हुआ है। ये कॉलम आता है, ये कॉलम है मेरी सारी शॉर्ट्स वगैरह का, जो हमारी शॉर्ट्स होती हैं या हमारी केपरीज हो गई, उन सब का कॉलम है। सो आपको उनके भी सबके कलर्स दिख रहे हैं। अब आपको इसमें से मोस्टली दिख रहा होगा कि मेरे पास मोस्ट ऑफ़ द कलर्स ब्लैक, वाइट एंड ब्लू डेनिम्स में ही है, जो कि यू नो मोस्ट कॉमन कलर्स होते हैं। एनीवेज, सो ये सब चीज़ें हैं। अब देखो, ये आपको दिख रहा है, ये है जो हम शॉर्ट स्कर्ट्स के नीचे टाइट्स पहनते हैं। सो ये कभी नहीं मिलती आपको आपकी कबर्ड में, कभी भी नहीं मिलेगी अगर आप इसको रैंडम रख दोगे, तो इसीलिए मैंने इसको फोल्ड करके इसी की जगह पे रखा है। अब देखो, मैंने ये सामान निकाला तो ये इस जगह पे स्पेस हो गई है, मैं इसी जगह पे इसको वापस यहीं रखूँगी यूज़ करने के। ये है मेरा सारा बॉटम वेयर, मैंने आपको दिखाया, ये जो आपको छोटा सा दिख रहा है ये है हमारी स्टॉकिंग्स, यस स्टॉकिंग्स हैं, तो मैंने इसको स्टॉकिंग्स को भी इसके इसी पाउच में रखा है ताकि मुझे इजीली स्टॉकिंग्स जब मुझे पहननी हो स्कर्ट्स के नीचे या किसी के नीचे तो मुझे दिख जाए। अदरवाइज़ मेरे साथ यही होता है, मुझे कुछ मिलता ही नहीं था पहले और मुझे लगता था यार मेरे पास स्टॉकिंग्स का पैर तो था बट कहाँ पर है वो। आपके साथ भी होता है ना ये। चलो अब इसको करते हैं बंद, ये हो गया हमारा बॉटम वेयर। सो अब स्टार्ट करते हैं इस वाली लाइन को। तो इसमें मैंने क्या करा है, अपनी जो मेरी सारी ड्रेसेज है, मैं आपको एक एक करके, जैसे साड़ी तो नहीं दिखा पाऊंगी बट इसमें मैं आपको कुछ दिखाती हूँ कि मैंने फोल्ड किस तरीके से किया हुआ है और हैंगर्स को मैंने किस तरीके से यूज़ किया हुआ है। सबको मैंने सेम ही तरीके से फोल्ड किया हुआ है। सपोज़ ये सिल्वर वाली बहुत ज़्यादा दिख रही है, इसको निकालते हैं। सो आप इसकी फोल्डिंग की टेक्निक देखो, और मैंने ना इसको क्या किया है, सारी जो मेरी लॉन्ग ड्रेस है इसका नीचे, वो सब मैंने इसके अंदर डाल दिया है, हैंग करके इसके अंदर डाल दिया, ये गई अपनी जगह पे। आप सपोज़ इसके साथ में अब ये वाइट ड्रेस है, सेम इसको भी, ये भी मेरी लॉन्ग वाइट ड्रेस है, आपने इसमें भी रील देखी होगी, इसको भी मैंने एग्जैक्ट तरीके से ही फोल्ड किया हुआ है, इसका नीचे का बॉटम सब कुछ मैंने अंदर इंसर्ट किया हुआ है इसका। और ये इतनी प्यारी सी इसकी पैकिंग है, आप देखो इसको आप कितना ही हिला लो ये कहीं से कुछ नहीं हिलेगा, इसका कुछ नहीं गिरेगा। देन ब्लू कलर, ब्लू कलर ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा है, ओ गॉड ब्लू तो बहुत ही सारा है।
देन ग्रीन कलर, मतलब एक ही शर्ट है ये वाली मेरी जो मेरा कॉल सेट है, देन ये ब्लैक कलर, और ये सब जो आता है ये आता है मेरा सारा जो टॉप, जो थोड़ा सा प्रीमियम टॉप कलेक्शन है वो डेली वेयर का टॉप कलेक्शन मैंने नीचे रखा हुआ है जो आपको डेली में पहनना है घर में, और ये है सारा जो प्रीमियम टॉप का कलेक्शन है। जो ये हमारे स्पेकेटी टॉप्स होते हैं उनके लिए मैंने ये वाला हैंगर यूज़ करा है, ये मल्टी हैंगर होता है, तो इसमें आप अपनी स्ट्राइप जो आपके टॉप्स होते हैं, चाहे वो नूडल स्ट्रैप हो चाहे वो स्लीवलेस में कैसे भी हो, आप उनको इसमें हैंग कर सकते हो और ये गिरते नहीं हैं। आप देखो मेरा हाथ थक चुका है। आप देखो अब इसके अंदर क्या है, ये सब मैंने अपने इसके अंदर जो भी मेरे इस टाइप के जितने भी सारे नूडल स्ट्रैप में टॉप्स हैं वो सब मैंने इसके अंदर हैंग करे हुए हैं जो हमें ब्लेजर्स के नीचे पहनने होते हैं। इसके अंदर अगेन जो भी सारे बाहर पार्टी वेयर के जो मेरे टॉप्स हैं वो सब इसके अंदर मैंने टॉप्स को हैंग करा हुआ है, प्लस एक जैसे मैं आपको बाहर निकाल के दिखाती हूँ। सो आप देखो इसके अंदर क्या है, ये इस टाइप की लाइंस एंड पार्टीशंस बना हुआ है, तो आप अपना इंडिविजुअल टॉप इसके अंदर बहुत आराम से हैंग कर सकते हो और ये स्लिप नहीं होंगे बिकॉज यहाँ पर ग्रूव्स बने हैं। मेरा क्रीम कलर का टॉप का कलेक्शन, और ये है ब्लैक कलर के सिमिलरली जो सारे ब्लैक कलर के टॉप्स हैं उनका कलेक्शन, उसके लिए भी मैंने अगेन सेम हैंगर यूज़ करा है। जो भी सारे इसमें सारे मेरे ब्लैक टॉप्स हैं वो सब मेरे इसके अंदर हैं, एंड मुझे बहुत इजी होता है अपने टॉप्स निकाल के वेयर करना एंड विदाउट लेटिंग देम मिक्स एंड अगेन लॉस्ट गेटिंग लॉस्ट इन माय कबर्ड। यस, सो ये था मेरा कबर्ड ऑर्गेनाइजेशन, एंड ऑनेस्टली अब आप देख सकते हो मैंने सब कुछ कलर सॉर्टेड किया हुआ है, एवरीथिंग इज़ कलर सॉर्टेड एंड प्रॉपरली सॉर्टेड इन ऑर्गेनाइजर्स। सबसे पहले दिखाती हूँ मैं आपको आदित की कबर्ड। सो ये है आदित की कबर्ड, को ये कंपैरेटिवली काफ़ी खाली लग रही होगी बट ये खाली नहीं है, मैंने इसको प्रॉपर ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है, मैं आपको सब दिखाती हूँ। स्पेशली इसके लिए मैंने ये छोटे वाले हैंगर्स यूज़ करे हैं, ये छोटे हैंगर्स मेरे पास काफ़ी ना लिमिटेड थे, तो मैंने इसमें अभी तो एक एक इसके हैंगर में जो भी इसके शर्ट्स का सेट है, सारी जो भी बॉयज़ की हमारी शर्ट्स होती हैं वो सब मैंने इसमें हैंग करा हुआ है, प्लस इसमें स्कूल यूनिफॉर्म हैंग है एंड बाकी जो इसकी शर्ट्स हैं वो सब इसके अंदर ही हैंग की हुई है। तो अब मुझे फ़िलहाल जो है ना छोटे जो बच्चों के हैंगर्स होते हैं वो लेना है इसके लिए। अब आती है नीचे इसकी, ये इसका है मस्किटो रेपेलेंट बिकॉज अब ये दुबई में बहुत ज़्यादा हमें यूज़ हो रहा है थैंक्स टू द दुबई रेन्स एंड फ्लड्स। ये है अगेन मैंने इसको फिर से वही रोलिंग टेक्निक से फोल्ड किया हुआ है, तो आप देख सकते हो मैंने एवरीथिंग इसकी जितनी भी टी शर्ट्स हैं सबको फोल्ड करके पूरा सेट बनाया हुआ है, एंड जितने इसके कॉर्ड सेट्स हैं कॉर्ड सेट्स को भी मैंने फोल्ड करके इतने रिस्पेक्टिव शॉर्ट्स उसी में फोल्ड करके रखा हुआ है। तो ये इसको पार्क पहनना है या घर में पहनना है तो इसके लिए बहुत इजी है मुझे कोई भी टी शर्ट निकाल के इसको पहनाना, एंड वो यूज़ भी हो पाती हैं, अदरवाइज़ बच्चों के कपड़े बिना पहने ही छोटे हो जाते हैं। प्लस अब आती है बात ये इसकी, सो ये हैं सारे इसके बॉटम्स जिसमें हैं इसकी पीछे सारी इसकी शॉर्ट्स, शॉर्ट्स वैसे इसकी कमी है बिकॉज ये शॉर्ट्स कम पहनता है, ये मोस्टली फुल डेनिम्स एंड ट्राउजर्स को प्रेफर करता है। सो इसमें मैंने इसकी सारी जीन्स को फोल्ड करके रखा हुआ है, ये इसकी जगह है। ओके यस, सो आप देखो ये इसकी सारी इसमें इसकी डेनिम्स हैं शॉर्ट्स हैं एवरीथिंग इज़ विजिबल, सारे इसके जो भी बॉटम्स हैं वो सब भी इसकी विजिबल हैं, और ये बहुत इजीली पीछे चला गया है सेट हो गया है। सो ये ऐसे करके इसका यूज़ हो गया। नाउ आती है इसकी जो सेकंड ड्रॉअर है, फर्स्ट ड्रॉअर है उसमें मैंने इसका अगेन ये पार्टीशनर इसको दिया है एक, जिसमें पीछे है इसकी सारी सॉक्स एंड आगे हैं सारे इसके अंडरगारमेंट्स, इसकी कैप है यहाँ पर एंड एक स्वाडल रखा हुआ है। नेक्स्ट ड्रॉअर जो आती है उसका नाइट वेयर है या जो पार्क से आके ये चेंज करके पहनेगा वो सब मैंने इसके अंदर रखा हुआ है एंड पूरा सेट वगैरह बना के, तो इट्स वेरी इजी। स्टोर में आता है सारा जो भी स्विमिंग कॉस्ट्यूम है इसका, या फिर जो इसके बैटमैन के कॉस्ट्यूम है या जो इसका सुपर हीरो कॉस्ट्यूम है, जितने भी बच्चों के सारे कॉस्ट्यूम्स होते हैं वो सब मैंने इसी में रखा हुआ है अलॉन्ग विद हिज बिब अलॉन्ग विद हिज दिस बाथरोब, इसके सारे स्विमिंग कॉस्ट्यूम्स हैं उसमें, इसका सारा कॉस्ट्यूम्स हैं वैसे सुपर हीरोज़ वाले एंड हैलोविन कॉस्ट्यूम्स एंड एवरीथिंग। यस, अब हम चलते हैं अपूर्व की कबर्ड पे। सो यस, सो ये है मेरे हस्बैंड की कबर्ड, इसमें इस साइड पे है इनके सारे जो इनके ट्राउजर्स पैंट्स एंड डेनिम्स होती हैं, प्लस इसके अंदर ये अगेन मैंने एक मल्टी हैंगर लिया था जिसमें सारी इनकी टी शर्ट्स हैं,
जो टी शर्ट्स इनको ऑफिस में पहननी होती है बेसिकली ब्लेज़र के नीचे, सो वो इसमें मैंने हैंग करी है ताकि इनको ईजी हो देखने के लिए कि इनको कौन सा पहनना है। प्लस पीछे इनकी कुछ शर्ट्स हैं जो हैंग की हुई हैं, आप देख सकते हो। सो यस, देन आता है नीचे वाला कॉलम इनका। सो नीचे के कॉलम में अपूर्व का जो सामान है, ये सारी इनकी न्यू टी शर्ट्स हैं, या आप कह सकते हो जो बाहर पहनने वाले टी शर्ट्स हैं बेसिकली, या पोलोज हो गई, वो सब इसके अंदर है। इनको तो ईजिली इनको दिखता है बेसिक कि मतलब आपको कौन सी टी शर्ट चाहिए, सो वो ईजिली वहाँ से वो निकाल सकते हैं एंड वापस मैं रख सकती हूँ। ऑब्वियसली आप लोग उन लोगों से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो लोग वापस भी रखें। सो यस, ओके। सो अब नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट कॉलम में। ये एक्स्ट्रा कॉलम है, जैसे कि अगर आप सपोज़ अपना कुछ सामान शॉपिंग वगैरह का लाते हो या कुछ भी सामान है तो आप वो यहाँ रख सकते हो। ये कॉलम मैंने खाली छोड़ा है। नेक्स्ट आता है ये ड्रॉअर्स का। ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। फ़िलहाल ये अभी काफ़ी खाली हैं बिकॉज काफ़ी अंडरगारमेंट्स जो हैं वो लॉन्ड्री में है और वो आज मैंने मशीन लगाई है, तो अब मैं वो ड्राई करके सारे जो भी एक एक अंडरगारमेंट्स का पैर है, पैर नॉट पैर, सिंगल सिंगल मैं इसमें इजीली रख दूँगी, तो उससे क्या होगा ना सारे विजिबल है। सेकेंड अब आती है बात इनकी सॉक्स की, तो वो मैंने रखी है। आप ये देखो, ये बाहर निकालो एंड देन ये आ गई सारी सॉक्स। सो ये बहुत ही ईजी सा एंड प्यारा सा इनका सॉक्स का ऑर्गेनाइज़र हो गया। सॉक्स एंड हैंकीज, ये हो गए सारे अंडरगारमेंट्स। नेक्स्ट आती है बात इस ड्रॉर की। सो इस ड्रॉर में आती हैं सारी की सारी, फैली पड़ी है फ़िलहाल तो, इनके जो जिम के जो टी शर्ट्स हैं एंड जो शॉर्ट्स हैं। इसके लिए मैंने ये बीच का पार्टीशनर यूज़ करा है। आप देखो, ये पार्टीशनर भी मैंने टेमू से मंगाया था, तो आप इस ड्रॉर में इसको ऐसे फिट कर सकते हो। एंड ये मेट्रो के कार्ड्स यहाँ पे क्या कर रहे हैं, बट एज एक्सपेक्टेड। और ये सब के सब जो है ना, आप इनमें से कोई भी निकालो और बहुत इजीली आप एक निकाल के पहन सकते हो। नेक्स्ट आती है ये ड्रॉर। सो फिलहाल ये ड्रॉर तो खाली पड़ी है, इसमें मैंने इनका कुर्ता रखा हुआ है। एक्चुअली मुझे ये ठीक करवाना है, इसका थोड़ा सा टाइट है, प्लस इसमें टाइज हैं जो अपूर्व अगेन डोंट वेयर एंड कुछ एक्स्ट्रा बेल्ट्स पड़ी हुई हैं। यस, सो ये थी मेरे हस्बैंड की कबर्ड। यस, सो ये देखा आपने मेरा कबर्ड का ऑर्गेनाइजेशन, मैंने कैसे कैसे कबर्ड को ऑर्गेनाइज़ करा है। एंड अगर आपको इनमें से कोई भी टिप्स एंड ट्रिक्स अपने काम की लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बिकॉज अब सिंस जैसा आपको पता है हमने न्यू घर अभी सेट करा भी नहीं है, अभी हो रहा है धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप। फर्नीचर इज़ नॉट येट देयर, बट इट्स ओके, वो भी जब आएगा तो मैं आपको वो भी एक एक चीज़ ब्लॉग करके दिखाऊंगी। एंड कबर्ड की ऑर्गेनाइजेशन आपने देखी, अगर आपको ऐसे ही किचन ऑर्गेनाइजेशन देखनी है और बाकी ऑर्गेनाइजेशन देखनी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आपको सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आ जाएँ और आपकी कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो मिस ना हो। सो या that's all for today's video. I hope you guys loved it. Please press like and subscribe to my channel. I see you in next vlog. Till then, bye.